हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ननुआ और चने दाल की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इस समय तो इसका सीजन भी चल रहा है, तो हमने सोचा कि इस बना के ज़रूर डालें आप सबके लिए यूट्यूब पे। इसके लिए हमें चाहिए, मैंने लिया है 1 किलो ननुआ और 100 ग्राम चने की दाल को उबाल के रख लिया है पहले से, और कुछ कटी हुई बारीक प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक को कूट के रख लिया है, इसका पेस्ट नहीं बनाया है मैंने, और टमाटर और एक लाल मिर्च का पेस्ट बना लिया है। और इसके बाद हम एक कढ़ाई को अब गर्म करेंगे और उसमें ये सब्ज़ी हम देसी घी में बना रहे हैं। देसी घी में ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है, तो आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। हमने 2 चम्मच कढ़ाई में देसी घी डाला और जब घी गर्म हो जाए तब हम इसमें 1/2 चम्मच मेथी दाना डालेंगे। आधा चम्मच मेथी दाना डालने के बाद मेथी जब हमारी अच्छे से भुन जाए तब हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। देखिए हमने जीरा भी डाल दिया है, अब जीरा को भी अच्छे से भुन जाने दें। अब जीरा अच्छे से भुन रहा है। फिर इसके बाद हमने जो बारीक कटी हुई प्याज रखी थी उसको डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे धीरे धीरे। अब इसको चलाते हुए अच्छे से भून लें। देखिए इस तरह से धीरे धीरे चलाते हुए इसको अच्छे से भून लें। देखिए हमारा प्याज भून के गोल्डन ब्राउन तैयार हो गया। अब हम इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च जो कूट के रखे थे उसको डाल देंगे और इसको भी थोड़ी देर भून लेंगे, ऐसे ही धीमी आंच पे भूने। अब इसको अच्छे से भून लें, लहसुन और अदरक का कच्चापन चला जाए तब तक भूने इसे। इस सब्ज़ी में दोस्तों ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं होती, ये सब्ज़ी बिना मसाले के भी बहुत टेस्टी लगती है, पर आप चाहें तो इसमें मसाला डाल सकते हैं। ये सब्ज़ी आज हम जो बना रहे हैं वो मसालेदार ही सब्ज़ी है। अब हम इसमें टमाटर प्यूरी जो बना के रखे थे उसको डाल देंगे। अब इसको भी कुछ देर धीमी आंच पे पकने देंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 2 चम्मच धनिया पाउडर। अब इसको अच्छे से चला लें। अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और थोड़ा सा जीरा पाउडर। ये सभी मसालों को डाल के फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए हमारा गरम मसाला भी पड़ गया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधा चम्मच नमक डाल लें। नमक आप बाद में भी डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें, क्योंकि ये गल के बहुत थोड़ा होता है, पर इसमें चना दाल है इसलिए इसकी क्वांटिटी थोड़ा अधिक ही रहेगी। देखिए अब हम जो चना दाल उबाल के रख लिए थे उसको डाल देंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर इसको ऐसे पकने दें, इसके बाद इसमें पानी डालें। जो मसाला सब अच्छे से मिक्स हो जाए इसके बाद ही पानी डालें। अब देखिए अच्छे से मसाला मिक्स हो गया है। अब हम इसमें जो नेनुआ को छील के काट के रख लिए थे आप इसे अपने मनचाहे शेप में काट सकते हैं, इसको डाल देंगे और अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आराम से चलाते हुए मिक्स करें। अब थोड़ी देर इसको ऐसे ढक के थोड़ी देर पकने दें, 1-2 मिनट। देखिए अब 1-2 मिनट पकने के बाद देखिए इसका पानी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अगर इसे आपको चावल के साथ खाना तो इसमें थोड़ा पानी रहने ही दें, अगर केवल रोटी के साथ खाना है तो आप इसको बिल्कुल सुखा सकते हैं। देखिए
सब्जी बन गई है। मैं तो इसे चावल के साथ ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए इसमें थोड़ा पानी रहने ही देती हूँ। अब देखिए हमारी सब्ज़ी तैयार है, आप हरी धनिया डालकर इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो आपको, तो फिर ज़रूर आप मेरे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आप ज़रूर एक बार इस तरह से इस सब्ज़ी को बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और कैसी लगी ये सब्ज़ी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।